ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए वापस से लेने वाला हूँ जेई मेन 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसमें लगाएंगे हम लोग अपना बढ़िया ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। काफ़ी बच्चों के डिमांड आ रहे हैं कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी कुछ करिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगते हैं, थोड़े लगते हैं। जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चंस मिलेंगे मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा, लेकिन मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन की मेरी एक पुरानी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, उसको मैं रिज्यूम करूंगा बहुत जल्दी और उसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उसमें, राइट। और ये वीडियो में जितने भी ट्रिक्स होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के अगर इंक्लूड हो पाएंगे तो मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा, जबरदस्ती इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग बेफालतू में मिसगाइड हो। जहां एक्चुअल में ट्रिक्स लग रही होगी वहीं मैं आप लोगों को ट्रिक्स लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर से, क्योंकि चैनल पर आपके लिए बहुत कमाल की कंटेंट है। चैनल के बाकी कंटेंट को देखो, बहुत काम की चीजें हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को अभी से आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं जेई मेन 2020 के। ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि मैंने सेम पेपर से उठाए हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास में ट्रिगो का, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में दिख रहा है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड। इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं। ये ट्रिक्स आपको तब लगाने हैं जब आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और आप क्वेश्चन को छोड़ने वाले हो, तो छोड़ने से अच्छा है कि आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करके अपने ऑप्शन तक या फिर उसके पास पहुँच सकते हो। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इन दोनों क्वेश्चन में ट्रिक लगा सकते हैं, आपको इन ट्रिक से बहुत ज्यादा फायदा होगा आपके जेई मेन के एग्जाम में। अब ये जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स दिए हुए हैं, कॉस स्क्वायर, वन प्लस साइन स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो कर लो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक बढ़िया तुक्का हम किस तरीके से लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आप लोग को इस वीडियो में अभी सिखाने वाला हूँ, राइट। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज को लेट करेंगे इस थीटा के अंदर में। सपोज आप x की वैल्यू कुछ लेट कर लो, है ना, तो अगर आप x की वैल्यू लेट कर ले तो यहाँ पर बोल रहा है m और m, ये आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज है। अब मिनिमम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, अगर आप निकाल पाए तो कर लो, लेकिन अब हम एक्चुअली लेट कर लेंगे, एक एक करके हम x को जीरो लेंगे, है ना, इस तरीके से हम वैल्यू लेंगे। तो सपोज हम x को ले लेते हैं जीरो डिग्री। अब x को जीरो डिग्री ले लेंगे तो हम उसके हिसाब से देखो, cos 0 1 होता है ना, फिर sin 0 0 होता है, इस तरीके से हम सारे वैल्यूज को उसमें पुट करके अपना नया डिटर्मिनेंट बना लेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो इस तरीके से जो हमारा नया डिटर्मिनेंट बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा नया डिटर्मिनेंट बना है इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, बेसिक से डिटर्मिनेंट सॉल्विंग है। पहले हम 1 को लेंगे, फिर वो 0 बन जाएगा, राइट, फिर हमारे पास में माइनस 1 आएगा, फिर हमारे पास में 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, इस तरीके से फिर वापस से हमारे पास में जो है 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई माइनस 2, राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। बेसिक डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस, ठीक है, फिर माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस तरीके से सेकंड टर्म रखते हैं, फिर थर्ड टर्म रखते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आपको बेसिक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, वरना तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ ट्रिक लगाने का। आपको बेसिक डिटर्मिनेंट आना चाहिए तभी आप फिट हो जेई मेन जैसे एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, थोड़े और वैल्यूज लेके देख लो। x को आप 90 डिग्री लेके देख लो, है ना, 90 लोगे तो cos 90 0 हो जाएगा, उसके हिसाब से आप नया डिटर्मिनेंट जो है बना सकते हो। इसको 0 ले लिया, फिर sin 90 1 होता है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर ये sin 180 हो जाएगा, राइट, तो sin 180 0 होता है। इस तरीके से आप सारे वैल्यूज को जो है पुटअप कर लो आराम से। तो ये हमारा इस तरीके से जो है नया डिटर्मिनेंट बन रहा है, साइन 180 हो जाएगा 0, फिर कॉस 180 हो जाएगा, कॉस 90 0, इस तरीके से आप सारे वैल्यूज को पुट अप कर लिए। अब आप इसको सॉल्व कर लो, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर लो। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, फिर माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, राइट, 1 माइनस 0, फिर आपके पास में 0 आ जाएगा तीसरा टर्म। तो ये कुल मिला के हमारे पास में वापस से जो है माइनस 2 हो गया है, राइट, ठीक है। अब अगर आपका मन है तो आप और वैल्यूज भी ले सकते हो, बेसिक डिटर्मिनेंट हमको सॉल्व करना है, आप चाहो तो x को 180 ले लो, ठीक है ना, आपको पता होगा बेसिक डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो प्लीज़ उसको सीख लो, वरना कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक डिटर्मिनेंट सॉल्विंग में कुछ भी नहीं है, एक एक करके टर्म लेना पड़ता है, जो मिडिल टर्म होता है उसमें माइनस साइन डालते हैं और फर्स्ट और थर्ड टर्म में हम लोग प्लस साइन डालते हैं,
ठीक है, इस तरीके से। अब आप चाहो तो और वैल्यूज ले लो, अगर आपको दो में सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है तो थोड़े और वैल्यूज आप लेकर के देख सकते हो। माइनस टू ले लिया हमने, मतलब दो वैल्यू लेकर हमारे पास माइनस टू आया है, और वैल्यू जैसे कि आप 180 ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो। अब आप चाहो तो आप करके देख लेना, ठीक है, बट मेरा यहाँ पर करने का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप अगर 180 भी लोगे, कुछ भी करोगे, तो बार बार माइनस टू ही आएगा आपका, ठीक है। हाँ, अगर आप बीच के कुछ वैल्यूज लेते हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री कुछ अगर आप वैल्यूज लेते हो, तो आपके वैल्यूज जो है वो अलग अलग आएंगे, लेकिन उसके कैलकुलेशन बहुत क्लमजी बन जाएंगे। तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप 30, 45 वो सब लेके करो, क्योंकि फिर वो 1/√2 वो सब बहुत क्लमजी कैलकुलेशन होगा, तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि हमारे पास में इतना भी ज्यादा टाइम नहीं एग्जाम में कि हम सारे कैलकुलेशन बैठ करके करते रहें। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंटेलिजेंट गैस लगाने का सोचेंगे, ठीक है। आप देखो, आपको वैल्यू माइनस टू तो मिल गया, तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू आएगा, m क्या है, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m हमारे पास में एक मिनिमम वैल्यू है, राइट। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो माइनस टू हो सकता है या फिर माइनस टू से छोटा हो सकता है, राइट। तो ये जो 1.3 ऑप्शन डी दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि हमारे पास में एक वैल्यू माइनस टू जब आ गई है तो मिनिमम या तो वही होगा या फिर उससे भी छोटा होगा, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो हमने डी ऑप्शन को जो है एलिमिनेट कर दिया, राइट। अब हमारे पास में तीन ऑप्शन बच रहे हैं। तीन में अगर आप ध्यान से देखो तो जो ऑप्शन आपके पास में, एक आपको ऑड ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन सी आप देखोगे तो आपको -4, -1 दिखेगा। अब आप इस तरीके से सोचो कि जिसने क्वेश्चन बनाया है उसके दिमाग से आप खेलने का सोचो। तो जिसने भी क्वेश्चन बनाया होगा उसने सिर्फ एक ऑप्शन दिया है -4 को, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि -4 के सही होने की चांसेस थोड़ी कम है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाता है वो ऑप्शन को इस तरीके से डालता है कि वो बच्चों को कंफ्यूज करे, राइट। तो इस बेसिस पर हमारे प्रोबेबिलिटी बनती है कि -4, -1 आंसर होने के चांस थोड़े से कम बनते हैं। ये चीजें हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती है, 100% सही नहीं होगा हर समय, बट हाँ प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। आप देख रहे हो कि -3 आपको इतने सारे ऑप्शन में दिया है, दो ऑप्शन में दिया है, 3 भी आपको दो ऑप्शन में दिया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस बनती है कि आपका जो है 4 वाला आंसर यहां पर नहीं है। अब इसके बाद में दो ऑप्शन बच रहे हैं, -3, -3 और -3, -1। अब इसमें आप लोग एक ब्लाइंड गेस लगा सकते हो, या तो आप ये सोच सकते हो कि आपकी वैल्यू बार बार -2 आ रही है, मतलब नेगेटिव में आ रही है, आपने 0 भी लिया, 90 भी लिया। आप अगर 180 करके भी देखोगे, क्योंकि मैं कर चुका हूँ इसको ऑलरेडी, 180 करके भी देखोगे तो भी आपका जहाँ तक है -2 ही आ रहा था, राइट। तो आपको यहाँ से फील आएगा कि यार कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू ही यहाँ पर जो है हमारी होगी, मतलब -2 आ रहा है तो -1 और -3 के बीच में ये जो है हो सकता है, ठीक है, राइट। इस तरीके से हमारे पास में क्या, हम इसमें एक गेस मार सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें आंसर गलत भी हो सकता है आपका, हो सकता है आपका आंसर ए हो सकता है आंसर आपका बी हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% बन चुकी है ना सही होने की, तो यहाँ पर आप एक तुक्का लगा सकते हो। आपने एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर ही दिए और आपका पैटर्न है +4, -1 का। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जब भी आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हो तो जेई मेन जैसे एग्जाम में आपको तुक्का लगा देना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बी ऑप्शन तुक्का लगा दो तो आपका सही हो जाएगा, अगर ए ऑप्शन तुक्का लगाते हो तो आपका गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आप अब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, थोड़ा सा रिस्क पे आपको 4 नंबर मिल रहा है, 1 नंबर के रिस्क पे आपको 4 नंबर यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको ज़रूर यहाँ पे तुक्का लगाना चाहिए। अगर आपको एकदम से ये चीज़ें हजम नहीं हो रही है तो आप मेरे और वीडियोस देखो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट देखो, आपको ये चीज़ हजम होने लग जाएगी कि यार तुक्का लगाने में यहाँ पर क्यों बोलता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोल रहा है AD एंड BC बी टू वर्टिकल पोल्स एट A एंड B रेस्पेक्टिवली ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो सबसे पहले हमारा क्या है, A और B, हम क्या करते हैं ना इसको ना थोड़ा सा ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं डायग्राम अप्रोच से। तो आप क्या करो, सबसे पहले ना वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही आप बना लो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर आप बना लोगे इस तरीके से, ठीक है, x और y एक्सिस आप बना लोगे, तो ये आपके दो पॉइंट है AB जिसका डिस्टेंस है 10। तो आप में ना इस तरीके से 10 ले लो, ठीक है ना, इस तरीके से आप 10 ले लो, अप्रॉक्सीमेटली AB ले लो, ठीक है। अब आप देखो, आपको AD दिया हुआ है 8, तो आप इस तरीके से 8 ले लो ऊपर, ठीक है, थोड़ी सी हाथ की सफाई आपको रखनी पड़ेगी, राइट। फिर आपको BC में लेना है 11, तो आप यहाँ पर 8 के ऊपर 3 और ऊपर चले जाओ, फिर आप यहाँ पर ले लो 11, इस तरीके से आप जो है ले लो, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप क्वेश्चन देखो, आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए M, और वो M कहाँ पर होगा, वो AB के अंदर ही होगा, ठीक है। M कहाँ होगा, AB के अंदर होगा, और हमको उसका डिस्टेंस चाहिए A के साथ हमको उसका डिस्टेंस चाहिए। तो ये 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई भी पॉइंट हो सकता है इसमें, है ना, 1, 2, 3, 4 में कोई भी पॉइंट हो सकता है, और हमको उसका डिस्टेंस चाहिएगा A के साथ में, मतलब बेसिकली हमको X कोऑर्डिनेट ही चाहिएगा, समझ गए आप बात को, राइट। और वो M की खास बात ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जो MD स्क्वायर का डिस्टेंस है और MC स्क्वायर का डिस्टेंस है, उन दोनों को ऐड करने पर वो वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए, ये कंडीशन है हमारे पास में। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगेगा, लेकिन
लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रैंडम मैनुअल कैलकुलेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही आसानी से कर सकते हो अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता है तो, राइट। आप क्या करोगे, बहुत खतरनाक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या है वैल्यूज लेट कर लो, सपोज कर लो 1 ले लो, सपोज कर लो 2 ले लो, तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको पाइथागोरस दिखेगा। ध्यान से आप देखो, यहाँ पर सपोज कर लो, मैं यहाँ पर आपके सामने ले लेता हूँ एक एक करके, मैं वैल्यूज लेकर के चेक करता हूँ, तो आपको शुरू में लगेगा कि यह लंबा कैलकुलेशन है, बट ये लंबा कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। सपोज मैं 1 ले लिया, सपोज मैं 1 को मान लिया, तो 1 को मानूंगा तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब ये तो पाइथागोरस बन गया ना, एम डी स्क्वायर क्या हो गया, पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो वो क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर हो गया 1, है ना, और परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर 64। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ये तो हो गया एम डी स्क्वायर। इसी तरीके से एम सी स्क्वायर होना होगा, तो एम सी स्क्वायर में अब वो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 1 है तो राइट में हो जाएगा 9 का डिस्टेंस, राइट, तो ये आ जाएगा 9 था हमारे पास में 81, और ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121। क्या आपको बात समझ में आ रही है। इस तरीके से अब आप 2 लेके देख लो, है ना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। 2 लेके अगर आप देखोगे तो आपका आ गया इस तरीके से, है ना, 4 और फिर 64, तो एज इट इज आएगा, फिर आपका यहाँ पर आएगा 8 का स्क्वायर 64 और फिर आपका आएगा 11 का स्क्वायर 121। इस तरीके से आप एम डी स्क्वायर और एम सी स्क्वायर करते जाओ। 3 लेके देख लो, है ना, एम सी स्क्वायर और एम डी स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, बस 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा एम डी स्क्वायर, फिर आपका यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और फिर यहाँ पर आपका आएगा 11 का स्क्वायर 121। अब देखो, ये जो आपका 64 और 121 है ना, ये सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको आप हटा ही दो ना, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सब में सेम ही आ रहा है ना, तो इसको सबको आप काट दो। अब आप इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। अब देखो आपका कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, सब में सेम है तो हटा दिया, 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, वो 64 तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, बाकी वो 64 और 121 एज इट इज रहेगा, उसको हटा दो। 5 ले लो आप, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, फिर ये आप इसको हटा दो और फिर 25 और फिर इसको भी हटा दो, समझ गए। अब अगर आप 6 लेते हो तो 6 लोगे तो कहानी वापस से उल्टी शुरू हो जाएगी, 6 लोगे तो आपको 36 आएगा, है ना, 36 और 16 आएगा। अब देखो, जो आपके 4 लेने पे 16 और 36 था, 6 लेने पे वही उल्टा हो गया, 36 और 16 हो गया, तो ये आपके 36 और 16 जो है वो सिमिलर है, किसके, 4 के सिमिलर है, जो 4 वाला था उसी के सिमिलर हमारा 6 वाला है। तो अब आपको इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपका आंसर 5 है, क्यों, क्योंकि यार अब वो आगे वही कहानी बन रही है, ठीक है, तो अब आपके मल्टीपल करेक्ट तो है ही नहीं ना, सिंगल करेक्ट आंसर है ना ये, तो एक ही आपका यूनिक बच रहा है जो कि 5 बच रहा है, समझ रहे हो। अब आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप चेक भी कर सकते हो, सॉल्व कर लो, आप ऐड कर लो, 81 प्लस 1 82 हो गया, 64 प्लस 4 आपका हो गया 68, ऐड कर लो, 49 प्लस आपका ये हो गया 58, ठीक है, फिर आपका ये हो गया 36 और 16 हो गया आपका 52, है ना, 52 हो गया, फिर 25 और 25 आपका हो गया 50, तो सबसे मिनिमम किस में आया, सबसे मिनिमम आपका इसमें आया 5 में, इसके आगे आप कुछ भी करोगे तो सेम कहानी आपकी बन जाएगी, तो सबसे मिनिमम आपको 50 में आ रहा है, मतलब कि 5 में आ रहा है सबसे मिनिमम, इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, 5 है। एम की वैल्यू कितनी है, 5 है, राइट, तो ये अगर 5 पे होगा ना तो ये हमारा जो है मिनिमम आएगा वैल्यू। अब आपको जैसे मार्क करना होता ना 5.00 वैसे आप जो है मार्क कर सकते हो अपने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसका जो है पॉइंट है m की वैल्यू है 5.0 पे जो है परफेक्ट आ रहा है। मजा आया आपको, मतलब आप क्वेश्चन को छोड़ देते, क्वेश्चन को हमने छोड़ने नहीं दिया, अगर आप मेरी ट्रिक सीख लोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, आराम से सॉल्व कर लोगे, है ना, जिसको मैक्सिमम मिनिमम आता है वो तो सॉल्व करेगा ही करेगा, जिसको नहीं आता है वो मैनुअली सॉल्व कर लेगा, बात तो नंबर लाने की है ना, आप चाहे जैसे भी नंबर लाओ, अल्टरनेटिव तरीके से नंबर लाओ, यही तो इंजीनियरिंग बुद्धि होती है, आप लाइफ में हर जगह अटकोगे कहीं ना कहीं आपको अल्टरनेटिव तरीके से जो आंसर को सॉल्व करना पड़ता है। यहां भी हमने करा, इस क्वेश्चन के लिए जरूर से लाइक करना और इस वाले क्वेश्चन के लिए जरूर से एक कमेंट तो आपका बनता है, ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने ट्रिक्स को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, सीख लिया होगा, ऐसे ट्रिक्स जेई मेन के एग्जाम में 2021 में बहुत इजीली अप्लाई होंगे और आप लोग अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो इन ट्रिक्स को अप्लाई करके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।